हेलो मेरे प्यारे पेशेंट्स और हमारी पूरे वर्ल्ड की एचआईवी पॉजिटिव कम्युनिटी। पीछे कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने ये बात शुरू की थी कि हमारे पेशेंट्स इस चीज को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एचआईवी की एक फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन के अलावा और इतनी सारी जो टैबलेट्स या ड्रग्स चलती हैं वो क्या है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सीपीटी के बारे में, यानी कि कोट्रामोक्साजोल प्रिवेंटिव थेरेपी के बारे में, यानी सेप्ट्रॉन डीएस, जो हमारे पेशेंट्स कुछ केसेस में रोज किए लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी टीपीटी के बारे में, या आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी, या उसको बोलते हैं टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। अब टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की हमारे पेशेंट्स को क्या जरूरत है? हमारे पेशेंट्स को टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की इसलिए जरूरत है कि एचआईवी में टीबी एक लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी है। मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी मतलब एक मौत का मेजर कारण है और बीमारी का भी एक मेजर कारण है। यानी एचआईवी में अगर हम डेथ एनालिसिस करें तो उसमें टीबी कॉमनेस्ट कॉजेज में आता है, और एक नॉर्मल पर्सन जो जिसको एचआईवी नहीं है उससे एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एंडेमिक है, यानी हमारे देश में ये बीमारी है और किसी को भी लग सकती है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको ये बीमारी बहुत जल्दी लग सकती है। इसलिए एचआईवी पेशेंट्स के लाइफ टाइम में, यानी कि उनकी पूरी लाइफ में टीबी होने का जो चांस है उनको, वो 70% तक होता है। इसलिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि ये जो एक रीजन है बीमारी का और मौत का, इसको हम हटा सके, कम कर सके। उसके लिए एक मेडिसिन दी जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी या आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी। आइसोनियाजिड टीबी की एक ऐसी टैबलेट है जो कि माइक्रोबैक्टीरियसिडल है, यानी कि अगर कुछ कुछ कम मात्रा में टीबी के बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर होंगे तो आइसोनियाजिड उनको खत्म कर देगी, उनको मार देगी। ये गोली आइसोनियाजिड की 300 मिलीग्राम की डोज ले, एक रोज की एक डेली एक टैबलेट 6 महीने तक दी जाती है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट के अंदर कुछ कई बार लेटेंट टीबी बोलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया टीबी की आपकी बॉडी में है, आपके लंग्स में है, बहुत कम मात्रा में वो कहीं बैठे हैं लंग्स में, पर वो डिजीज नहीं कॉज कर रहे। अब ये जो लेटेंट टीबी है ये कभी भी रीएक्टिवेट हो सकती है और इससे फुल फ्लेज टीबी हो सकती है। लेटेंट टीबी से फुल फ्लेज टीबी ना हो, या फिर मतलब लेटेंट टीबी से प्रोग्रेशन ना हो फुल फ्लेज टीबी का, या फिर री इन्फेक्शन टीबी की ना हो, इसलिए आइसोनियाजिड दी जाती है एक टैबलेट 300 मिलीग्राम की डेली 6 महीने। अब आइसोनियाजिड के साथ क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है कुछ पेशेंट्स को, यानी उनके हाथ पर सोने लग जाते हैं या कीड़ियां चुभने लग जाती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ में बेनाडॉन दी जाती है जो कि दी जाती है 50 मिलीग्राम। सो दो गोलियां हो गई, दो गोली रोज की 6 महीने तक डेली। कितनी बार? वंस इन अ लाइफ टाइम। वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी में एक बार। जिसको टीबी नहीं हुई है उसको भी एक बार, और जिसको टीबी हो चुकी है उसको भी एक बार। इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी होने से पहले भी दे दिया और टीबी होने के बाद भी दे दिया। यानी जिसको नहीं हुई है उसको इसलिए दे रहे हैं कि उसको ना हो, और जिसको हो चुकी है उसको इसलिए दे रहे हैं कि उसको दोबारा टीबी ना हो। तो ये आपको समझ आ गया कि हम टीबी से बचने की दो गोलियां देते हैं, मेन उसमें से एक होती है आइसोनियाजिड, और वो 6 महीने तक खानी होती है जिंदगी में एक बार, और हर एचआईवी पॉजिटिव जिसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उसके लिए जरूरी है। हम किस किस से दे सकते हैं? सारे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स जिनमें एक्टिव टीबी नहीं है, जिनको टीबी नहीं है और उन्होंने कभी आइसोनियाजिड प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी नहीं ली, उनकी स्टार्ट करेंगे। जितने 12 माह से ऊपर के बच्चे हैं या 12 मंथ से ऊपर के बच्चे हैं जिनमें एक्टिव टीबी हमने रूल आउट कर ली है उनको, और जितने 12 महीने से छोटे बच्चे हैं जिनमें कोई कंटैक्ट नहीं है टीबी का, यानी कि उनके घर में कोई टीबी का पेशेंट नहीं है और वो हेल्दी हैं, हम उनको भी, यानी कि पूरी पॉपुलेशन जो पॉजिटिव है हम सबको एक बार देंगे लाइफ में। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों दी जाती है और ये किसको दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, मतलब किस केस में हमें ये नहीं देनी। ये सिर्फ उस केसेस में मेनली नहीं देनी जिसमें
पेशेंट को पहले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो चुका है, यानी कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उन पर टीबी की जो ये फर्स्ट लाइन की मेडिसिन है ये असर ही नहीं करेंगी, तो ये देने का फायदा ही नहीं है। वो पेशेंट्स जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट के कंटेक्ट में है, क्योंकि उसमें हम ये सस्पेक्ट करेंगे कि उनपे भी एमडीआर टीबी ही हो, तो उनमें भी ये टैबलेट्स देने का फायदा नहीं। वो पेशेंट्स जिनको हेपेटाइटिस है, जिनके लिवर में स्वेलिंग है, अगर किसी के लिवर में सूजन है या स्वेलिंग है और उसे कुछ पच नहीं रहा, तो उसको ये मेडिसिन हम नहीं देंगे, क्योंकि इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है हेपेटाइटिस, और अगर हम उनको ये मेडिसिन देंगे तो हेपेटाइटिस जो है वो फ्लेयर अप कर जाएगा। उसके बाद किसी को ड्रग एलर्जी हो रही हो इस दवाई से, तो उसको हम नहीं देंगे। और उसके बाद जो भी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स बाकी के ले रहे हैं, यानी कोई और उनकी दवा चल रही है जो लिवर पे टॉक्सिक है, जैसे किसी की कीमोथेरेपी या कुछ ऐसी ड्रग्स चल रही हैं जो हिपैटोटॉक्सिक हैं, तो उनमें भी हम आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी आईपीटी या टीपीटी नहीं लेंगे। तो ये तो किसको नहीं देनी, बेसिकली ये हमारी ही सरदर्दी है या हमें ही देखना है, पर आपको पता होना चाहिए कि कल आप बोलो कि हमारे डॉक्टर ने हमें नहीं दी, क्यों नहीं दी, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो नहीं दी। नहीं तो ये हर एआरटी सेंटर में हर डॉक्टर की और नर्स की और स्टाफ की ये कोशिश होती है कि हर पेशेंट टीपीटी ले ले, ताकि हमारे किसी भी पेशेंट का टीबी से नुकसान ना हो। अब आईपीटी से पहले टेस्ट कौन से करवाने हैं, मेनली एक एलएफटी करवाने हैं, यानी लिवर के टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर के लिए थोड़ी स्ट्रांग है, और उसके अलावा हमने ये देखना है कि उसको कोई और प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको बताई थी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की हाथ पैर उसके सुन्न हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं है, और मेन यही दो चीजें हमें देखनी है और आईपीटी हम सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम एआरटी और आईपीटी किसी पेशेंट को इकट्ठे दे रहे हैं, तो उसकी टीबी स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। डिजीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी किसी बीमारी के लिए जो इम्यूनिटी है, वो अगर टीबी के लिए उनकी डेवलप हो जाएगी और उनको टीबी से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आईपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट है। किसमें देनी है, सब पेशेंट्स जिनमें एक्टिव हेपेटाइटिस नहीं है। कब तक देनी है, एक गोली आइसोनियाजिड की और साथ में बेनाडॉल पेनाडॉन पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रिवेंट करने के लिए, यानी दो गोली हो गई, रोज की एक बार 6 महीने। कितनी बार देनी है, वंस इन अ लाइफ टाइम। जिसको टीबी नहीं हुआ उसको भी दे सकते हैं, जिसको हो चुका है उसको रेकरेंस प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं। तो अभी हमने एक बात की थी सेप्ट्रॉन डीएस की, और आज हम बात कर रहे हैं टीपीटी या आईपीटी की। एक गोली और है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, फ्लुकोनाजोल, उसकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी और आपको समझाऊंगी कि किन पेशेंट्स के लिए वो जरूरी है। जो आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी है, हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही पेशेंट की एआरटी स्टार्ट हुई, जल्दी से जल्दी उनको आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी दे दें। इसलिए पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एक गोली बोलकर 4 गोली, यानी एआरटी की मेडिसिन सेप्ट्रॉन अगर इंडिकेटेड है और 2 गोलियां आईपीडी की, तो आप ये समझिए कि इनमें से 3 कट जाएंगी और 1 रह जाएगी और वही लाइफ सेविंग है। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी, जानकार बनिए और इस बीमारी से अच्छे से लड़े। स्तम जीवम श्रद्धा, भगवान आपकी 100 साल की आयु करे।